सोल्युबिलिटी का मतलब क्या तुम्हारे दिमाग में आता है? सोल्युबिलिटी है क्या एक्चुअली यार? कोई सॉल्ट सोल्युबल है नहीं है, मतलब पानी में जो घुल जाएगा या कुछ भी चीज लेंगे तो उसी को सॉल्युबल बोलेंगे ना। एक्चुअली हम लोग सॉल्वेंट जो है वाटर ही लेते हैं मैक्सिमम केस में, तो वो सॉल्ट जो डिजोल्व हो जाएगा, कितना डिजोल्व होगा, कितना अमाउंट में डिजोल्व होगा, वही सॉल्युबिलिटी हुआ ना यार। जैसे मान लो NaCl वगैरह लोगे तो ये बहुत ज्यादा डिजोल्व हो जाता है, पता चला पानी में जितना NaCl ले लिया सब डिजोल्व हो गया, नहीं तो बोलते हैं NaCl सॉल्युबल है। वही AgCl जो लेते हैं, पता चला ये पानी में डाले तो डिजोल्व भी नहीं हुआ, इसका प्रेसिपिटेट बना हुआ होता है ना, तो बोलते हैं ये डिजोल्व नहीं हुआ मतलब इनसॉल्युबल है क्या। तो जो डिजोल्व हो जाएगा उसी को सॉल्युबल बोलेंगे। तो कौन कितना डिजोल्व होगा उसी के बिहाफ पर ये सॉल्युबिलिटी डिसाइड होता है। अब सॉल्युबिलिटी जब होगा, इसके बाद मैं यहाँ पर आयोनाइजेशन लिख रहा हूँ। मान लो NaCl जैसे है ना, ये डिजोल्व हुआ, तो डिजोल्व होने के बाद ये एक्चुअली आयोनाइज होगा, तभी तो हम लोग बोलते हैं जितना डिजोल्व हो गया। मान लो एक सॉल्ट है NaCl, ये तो पूरा का पूरा डिजोल्व हो जाएगा, और ये जब पूरा डिजोल्व होगा तो सारा का सारा Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ना यार, क्या आयोनाइज हो जाएगा, इजंट इट? ये तो पूरा का पूरा सॉल्युबल है ना। NaCl अगर सॉल्ट लिया पूरा सॉल्युबल होगा, जैसे Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया, समझना बात तुमको। और अगर मान लो जैसे बहुत तरह पर का सॉल्ट है, जैसे मान लो CH3COONa लिया तुमने, तो ये भी तुम लोग बोलते हो पूरा सॉल्युबल सॉल्ट है ना, मतलब एक पार्ट अगर स्ट्रांग है तो वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा, हम लोग ऐसे बोलते हैं। CH3COONa भी पूरा डिजोल्व हो जाएगा, डिसोसिएट होगा CH3CO माइनस और Na प्लस, मतलब ये आयनाइज हो रहा है। एक तो सबसे पहले डिजोल्व सॉल्युबल होगा और कुछ आयनाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो AgCl, जैसे इस तरह का सॉल्ट लोग है ना, तो इसमें क्या होगा, AgCl ये एक्वस में मतलब सारा का सारा, पता चला मान लो ये 10 ग्राम लिए थे, ग्राम के टर्म में मान लो बात कर रहे हैं, 10 ग्राम लिए थे है ना, तो 10 ग्राम में जब पानी में डिजोल्व किए, 1 लीटर पानी में डिजोल्व कर रहे हो, डिजोल्व जो अमाउंट हो रहा है वो 0.001 इतना मिलीग्राम डिजोल्व हो रहा है यार, समझ रहे हो, इतना डिजोल्व हो रहा है 1 लीटर पानी में। तो यार ग्राम भी नहीं मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, मिलीग्राम। जी तो इतना डिजोल्व हो रहा मतलब लगभग नहीं के बराबर डिजोल्व हो रहा। अच्छा ये अगर पक्का बात है, ये जो भी पार्ट डिजोल्व हुआ रहेगा वो तो टूट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। जो भी पार्ट पानी में घुलेगा आयनाइज हो जाएगा ना यार, AgCl आयनाइज हो जाएगा। अब यहाँ के बाद तुम लोग इसमें हाइड्रेशन देखते हो, तीनों टर्म का मतलब समझ लो, सोलेबिलिटी, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जो हम लोग बोलते हैं, हाइड्रेशन क्या होता है, जैसे ये जब आयनाइज हो गए तो आयनाइज होने के बाद जो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे उसको हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं। पहले के केस में देखो दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है, ये हाइड्रेट होंगे क्या, हाइड्रेशन होगा इनका? हाइड्रेशन हमेशा किसका होता है, वीक पार्ट वी है ना। तो यहां पर भी देखो ये हाइड्रेशन, इसका हाइड्रेशन हो जाएगा एक क्या, पार्ट यस एसिडेट है हाइड्रेशन, ये पार्ट का हाइड्रेशन नहीं होगा, इस पार्ट का हाइड्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर देखो हाइड्रेशन नहीं होगा। तो एक्चुअली हमें ना सॉल्युबिलिटी यहां से यहां तक देखना है। अच्छा किन सारे सॉल्ट का देखना है, वो सारे सॉल्ट का देखना है जो सॉल्युबल ही बहुत कम होते हैं है ना। तो सॉल्युबल जो बहुत कम होते हैं हम लोग बोल सकते हैं, जैसे मान लो ये तो सॉल्युबल हो गया, देखो ये भी सॉल्युबल हो गया, ये भी सॉल्युबल हो गया, मतलब कुछ ऐसे सॉल्ट मिलेंगे जो सॉल्युबल ही बहुत कम होंगे, तो हम लोग इन सारे सॉल्ट को क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट। इसको हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल सॉल्ट। और इसी को जब हम लोग यहाँ पर सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे फिजिकल में, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। एक ही बात है, स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। एक्चुअली ये जो स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो बोल रहे हैं, इसको अगर इनऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे तो उस केस में इनसॉल्युबल सॉल्ट बोलेंगे AgCl को, लेकिन केवल यहाँ पर सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं है ना, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इस केस में हम लोग इसको स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोलेंगे। काफी कम यार डिजॉल्व होगा, काफी कम। तो ये चैप्टर बाउंड है केवल इन्हीं के लिए, और बाकी सारा सॉल्ट का जैसे NaCl ये सब पूरे सॉल्युबल सॉल्ट है, तो इन सारे चीजों को यहाँ डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग केवल किसको डिस्कस करेंगे इसमें, इनसॉल्युबल सॉल्ट को। सॉल्ट दो टाइप पर का होगा, एक तो होगा तुम्हारा सॉल्युबल सॉल्युबल सॉल्ट होगा, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा। तो
तो ये जो सोल्युबल सॉल्ट हम लोग बोलते हैं, कोई भी सॉल्ट डिजोल्व हो जाता है, हमने अभी मीडियम जो लिया है वो क्या लिया है, वाटर लिया है। मैक्सिमम केस में वाटर को हम लोग सॉल्वेंट के तौर पे यूज करेंगे। और ये कैसा सॉल्वेंट है बच्चे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो तुम लोग जानते हो लाइक डिजोल्व लाइक में, मतलब यहाँ पर आयनिक कंपाउंड इसमें डिजोल्व होंगे ना, और कोवेलेंट कंपाउंड इसमें कम डिजोल्व होंगे। हम लोगों ने बॉन्डिंग के दौरान एक बात पढ़ा था कि सॉल्युबल सॉल्ट होते कौन से हैं। जैसे मान लो NaCl को तुम लोगों ने बोला ये एक सॉल्युबल सॉल्ट है। ये जो सॉल्युबल सॉल्ट है NaCl, क्यों ये सॉल्युबल हो जाएगा? तो बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है कि वो सारे सॉल्ट जिनका की लैटिस एनर्जी है ना, हाइड्रेशन एनर्जी के रेस्पेक्ट में कम होता है, तो वो सारे सॉल्युबल हो जाते हैं। हमने कुछ यही पढ़ा ना, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या चीज है, किसी सॉल्ट को जब डिजोल्व करते हैं पानी में तो जो भी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। यू माइट हैव आइडिया ऑफ दिस, नहीं? यस सर। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो NaCl जो है ना, ये इनके बीच में लैटिस एनर्जी तो है ही। देखो यार सीधी सी बात है, एक कैटायन है एक एनायन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां पर भी होता है वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। लैटिस एनर्जी एक तरह का कैसा एनर्जी है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ए लैटिस, नहीं? यही होता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अ लैटिस। जब भी लैटिस बनेगा तो उससे जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है, लैटिस के फॉर्मेशन से। अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी किसको बोलते हैं, जब NaCl जैसा है ना, ये यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इसको चारों ओर से सर्कमस्क्राइब कर लेते हैं, नहीं? जैसे Na+ को ऑक्सीजन वाले पार्ट सर्कमस्क्राइब कर लेंगे, है ना, यहाँ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव, सारे जगह डेल्टा नेगेटिव, देखो क्या। तो ऑक्सीजन वाले पार्ट जब इसको सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं तो यहाँ पर तुम देख लो जरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कहीं पर भी मैंने बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है। जैसे Na+ को ऑक्सीजन वाला पार्ट सर्कमस्क्राइब करेंगे, Cl- कौन वाले पार्ट सर्कमस्क्राइब करेंगे, हाइड्रोजन वाले, हाइड्रोजन में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो फाइनली यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होती है, नहीं? ये नेगेटिव चार्ज है तो तुम लोग इस तरह डाइपोल वगैरह बनाते होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके। तो यहाँ पर जो भी एनर्जी रिलीज होती है एंड दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। हालांकि वो सॉल्वेशन एनर्जी है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल अगर सॉल्वेंट के तौर पे यूज करोगे तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। अब जाहिर सी बात है, हर कोई स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होना चाहता है तो वो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना ज्यादा बढ़िया है। तो हाइड्रेशन के फॉर्म में ज्यादा एनर्जी अगर रिलीज कर पाएगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर कहीं पर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो वो डिजोल्व होना पसंद करेगा। यही फंडा है NaCl के डिजोल्व होने का। तो मोस्टली तुम क्या देखोगे कि पोलर लाइक डिजोल्व लाइक वाले में जो आयनिक होंगे, लाइक डिजोल्व लाइक वाले में जो आयनिक होंगे, जो ज्यादा आयनिक होंगे वो क्या है, पोलर कंपाउंड में सॉल्युबल होंगे। एग्री? जो ज्यादा आयनिक होंगे वो पोलर कंपाउंड में सॉल्युबल होंगे, लेकिन अगर कोवेलेंट होंगे तो वो क्या होंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर है कि नहीं? तो ये तो था सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में, जैसे NaCl ये सब सॉल्युबल होता है। अब इनसॉल्युबल सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। इनसॉल्युबल सॉल्ट कौन से इनसॉल्युबल सॉल्ट होंगे, ऐसे केस में तुम्हारा क्या होगा, लैटिस एनर्जी ही ज्यादा हो जाएगा, किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से। तो भाई साहब, जब लैटिस एनर्जी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा, हाइड्रेशन एनर्जी के फॉर्म में पता चला, तो इससे ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा तो लैटिस एनर्जी बनके ये ज्यादा स्टेबल फील करेंगे ना, क्या? जैसे मान लो HCl वगैरह है ना। तो ये क्या है, ये तुम लोग जानते हो इनसॉल्युबल हम लोग बोलते हैं इसको, इनसॉल्युबल, या अभी जो पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग बोलेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल। तो ये जो है ना, ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं कर पाता हाइड्रेशन के दौरान, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल, ठीक है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल। इज इट ओके? पता है ये काफी कम डिजोल्व होता है, कितना के आसपास डिजोल्व होता है, अगर तुम 1 लीटर लोगे ना, 1 लीटर वाटर लोगे, अप्रोक्सीमेट तुम बोल सकते हो
10^-5 मोल इसका डिजॉल्व होता है अप्रोक्सीमेटली, है ना। अगर रूम टेम्परेचर की बात करो, जाहिर सी बात है टेम्परेचर चेंज करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा ना यार, टेम्परेचर चेंज करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। लेकिन अगर मान लो रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हो तो 1 लीटर अगर वाटर लोगे तो 10^-5 मोल के अप्रोक्स में ये डिजॉल्व होता है। तो 10^-5 यार बहुत छोटा है, क्या बोलते हो। अब हम लोग को जो पढ़ना है, वी आर टोटली कंसर्न अबाउट विच पार्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट या स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। हमें ये सॉल्युबल सॉल्ट को देखना ही नहीं है, ये जो सॉल्युबिलिटी वाला फंडा है ये केवल हम लोग स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए करेंगे। अब ये जो सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, AgCl जब डिसोसिएट होगा तो ये क्या बनेगा, Ag+ बनेगा और साथ में Cl- बनेगा, है कि नहीं। अब अगर ये Ag+ और Cl- बन रहा है ना, तो यहाँ पर सोचो ये यार वीक इलेक्ट्रोलाइट ही तो ऐसा होता था। अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग यूज करते थे, जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने जो यूज किया था तो उसमें सिंगल डायरेक्शन एरो दिया था, याद है। HCl अगर टूटता था तो H+ और Cl- यहाँ पर सिंगल डायरेक्शन हमने एरो दिया था। एसिटिक एसिड हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज किए थे तो उसमें बोथ डायरेक्शनल हमने एरो दिया था, CH3CO- और H+ लिखा था। उसी तरह जैसे NaCl को जब तोड़ेंगे तब तो वो तो सिंगल डायरेक्शन एरो जाएगा। अगर यहाँ पर NaCl को आपने तोड़ा, दिस वन इज व्हाट, Na+ और Cl- सिंगल डायरेक्शन, जितने लिए थे सारे के सारे टूट गए। हम लोगों को तो इसकी बात ही नहीं करनी है। लेकिन AgCl तो यार समझ रहे हो कितना कम टूट रहा, कितना कम, 10^-5 मोल टूट रहा, समझ रहे हो, काफी कम टूट रहा है 10^-5। अगर ऐसा है तो हम लोग बोल सकते हैं ना मैक्सिमम तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ही रिएक्शन हो रहा है ना, फॉरवर्ड तो जा ही नहीं रहा एक तरह से। तो ये एक समय के बाद आएगा जब ये मैक्सिमम टूटा हुआ रहेगा, इसके बाद तो टूट ही नहीं सकता है ना। तो वो वाला टाइम जो होगा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, एक टाइम होगा जब ये मैक्सिमम डिजॉल्व होगा है ना, उसके बाद और डिजॉल्व हो ही नहीं सकता क्योंकि बहुत कम टूट सकता है ये, टूटने का 10^-5 के आसपास होगा, इतना ही पार्ट टूट पाएगा। जैसे ये कितना भी लोगे, मान लो 1 ग्राम ले लिए तो 1 ग्राम ले लिए या कितना भी लिए हो उसमें से 10^-5 मोल बस टूटा, इतना 1 ग्राम को इसमें कन्वर्ट कर देना जिसमें, अब इससे ज्यादा टूट ही नहीं सकता 1 लीटर पानी में, ऐसा कुछ दे रखा है ना, इससे ज्यादा एकदम टूट नहीं सकता, कितना भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सारा AgCl ही बन के रहेगा क्योंकि पानी में इन दोनों का कंसेंट्रेशन इतना ही हो सकता है मैक्सिमम, सीधा सीधा बात है। तो वो पर्टिकुलर जगह पे ये तो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा है ना, क्योंकि उसके बाद और कितना भी अमाउंट ले लो ये डिसोसिएट नहीं होगा और ये वापस और कंबाइन नहीं होंगे, मतलब मैक्सिमम इतना ही कंबाइन हो सकता है। तो यहां पर से जो हम लोग सॉलिबिलिटी की बात करते हैं कि कितना डिजॉल्व होगा, इसके बारे में याद रखना कि कभी भी सॉलिबिलिटी लिखा हुआ है तो ये केवल डिफाइंड होगा कहां पर, इक्विलिब्रियम में। सॉलिबिलिटी इज डिफाइंड ओनली एट इक्विलिब्रियम, केवल इक्विलिब्रियम में डिफाइंड है, इधर उधर उसके डिफाइंड नहीं है, एकदम पक्का सा बात है, लिख ले एक बात, केवल इक्विलिब्रियम में, उसके इधर उधर कहीं पर हम लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर उसके इधर उधर डिफाइन कर रहे हैं तो मतलब वो सॉलिबिलिटी नहीं है, वो कुछ और चीज है, दैट इज नॉट सॉलिबिलिटी, हम लोग उसको सॉलिबिलिटी नहीं कहेंगे। आजकल सीधा हम लोग कंसेंट्रेशन से इसको रिलेट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल से रिलेट करते हैं, ज्यादा करते हैं वो, है ना। तो सोच लो ये एक तरह का कंसेंट्रेशन टर्म से, मतलब मोलारिटी टाइप पर का है, सोच लो मोलारिटी कंसेंट्रेशन टर्म है ना, जितना मैक्सिमम कंसेंट्रेशन डिजॉल्व होगा है ना। मैं इसको थोड़ा बढ़िया से लिखता हूँ, ये मोलारिटी या फिर सोच लो एक तरह का कंसेंट्रेशन टर्म है, कंसेंट्रेशन टर्म। इसको और अच्छा से अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। ये तो बहुत जरूरी है, तुम लोग जान ही रहे हो, केवल इक्विलिब्रियम पे ही ये डिफाइन होता है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। बोल सकते हो टेम्परेचर भी इसने फिक्स कर लिया है ना, एट ए गिवन टेम्परेचर। तो जब हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो जितना डिजॉल्व हो सकता है उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। यार AgCl को तभी से लेके चल रहा है, तो AgCl जो है यार इसको जैसे ही हमने पानी में डाला
इसका डिजॉल्व हुआ काफी कम पार्ट, अब इक्विलिब्रियम टाइप का ये भी मेंटेन करेगा। अब जब ये डिजॉल्व होगा तो ये क्या बनेगा, एजी प्लस। डिजॉल्व होने के बाद मतलब डिसोसिएट होगा, जैसे ही डिजॉल्व होगा वो डिसोसिएट होगा, हालांकि ये सॉलिड है। डिसोसिएट होने के बाद ये आयन वगैरह बन जाएगा और यही एक्वस टाइप से बन जाएगा, नहीं ये लोग अपना कोई कोई कंसेंट्रेशन शो करेगा। अब इसमें से जितना भी डिजॉल्व हुआ रहेगा, जितना भी डिजॉल्व हुआ रहेगा, सारा का सारा टूट जाएगा, पक्का बात है। जो भी डिजॉल्व हुआ रहेगा, मान लो उसमें से एस पार्ट डिजॉल्व हुआ, एस पार्ट, एस मोल डिजॉल्व हुआ, एस मोल पर लीटर उसमें का कंसेंट्रेशन जो है, जो कि डिजॉल्व हुआ, मान लो स्टार्टिंग में इसका कंसेंट्रेशन एक्स कुछ भी तुमने लिया था भाई, तो सारा का सारा ये डिजॉल्व थोड़ी होगा। मान लो उसमें से एस कंसेंट्रेशन ऐसा था AgCl का जो कि डिजॉल्व हुआ। अब अगर इसका एस कंसेंट्रेशन डिजॉल्व हुआ, तुम लोगों को बताया है जो भी पार्ट डिजॉल्व हुआ वो तो पूरा का पूरा टूट जाएगा, ये यहां पर कुछ रहेगा थोड़े ही, AgCl तो रहेगा ही नहीं, पूरा का पूरा डिजॉल्व हो गया, तो ये एस बन गया, ये एस बन गया, ये बात समझ आ रही है। अब ये पार्ट तो खत्म हो गया ना यार, एस पार्ट जो डिजॉल्व हुआ वो तो खत्म हो गया, तो ये एस बन गया, ये एस बन गया। अच्छा एक बात बताना जरा, अब मान लो यहां पर इक्विलिब्रियम ये तो मेंटेन कर लिया, मैंने बताया था यही मैक्सिमम डिजॉल्व हो सकता था, इससे ज्यादा डिजॉल्व नहीं हो सकता, तो ये अब इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे, इससे ज्यादा तो डिजॉल्व हो ही नहीं सकता, मोल डिजॉल्व हो जाएगा। क्या बोले सर, एस अमाउंट लेंगे और एस अमाउंट डिजॉल्व हो जाएगा? अरे एक्स अमाउंट लिए थे, एस अमाउंट थोड़ी लिए, एक्स अमाउंट, उसमें एस अमाउंट डिजॉल्व हो सकता था ना उस कंसेंट्रेशन, तो वो डिजॉल्व हो गया, लेकिन जो भी पार्ट डिजॉल्व होगा वो मैं बोल रहा हूँ टूट जाएगा वो। तो यहाँ पर जब ये टूट गया तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं ये इक्विलिब्रियम पे आ गया ना यार, इससे ज्यादा सब डिजॉल्व भी नहीं कर सकते, तो यही पार्ट जो है ये कंसेंट्रेशन हो गया, यही इसका क्या हो गया सॉल्युबिलिटी, एस पार्ट डिजॉल्व हो रहा ना, तो यही एस इसका क्या होगा सॉल्युबिलिटी, इसी को मैं सॉल्युबिलिटी बोल रहा हूँ। AgCl का अगर तुमने टेम्परेचर यहां पर फिक्स कर दिया, टेम्परेचर फिक्स कर दिया, तो AgCl चाहे जितना मर्जी तुम लोग उसका S अमाउंट डिजॉल्व होगा, उससे ज्यादा डिजॉल्व नहीं होगा, और ये S जब डिजॉल्व होगा तो ये टूट के Ag प्लस का कंसेंट्रेशन S हो जाएगा और Cl माइनस का कंसेंट्रेशन भी S हो जाएगा। तो यहां पर जो बोलते हैं ना K, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये क्या लिखोगे, देखो Ag प्लस का कंसेंट्रेशन उसके बाद Cl माइनस का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई ये, तो ये तो प्योर सॉलिड है ना, इसको तो कांस्टेंट बोल के लिखते हैं, तो इसको लिखना जरूरी है क्या, बता जरा। नहीं सर, ये तो प्योर सॉलिड है ना, प्योर सॉलिड को हम लोग क्या ही लिखते हैं, उसको तो नहीं लिखते, उसको कांस्टेंट बोलते हैं, तो ये कांस्टेंट मान लो लिख भी दिया, वो k के साथ मल्टीप्लाई होके एक अनदर कांस्टेंट बना लिया, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, है ना। अब देखो इसका सॉल्युबिलिटी हमने s लिया था, तो इसका सॉल्युबिलिटी अगर s था, इसका भी s था, दोनों मिलके क्या हो गया बताओ, Ksp क्या हो गया हमारा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो गया, s स्क्वायर हो गया। बात समझ आया है कि नहीं? यस सर। तो बताओ AgCl का मैंने तुम लोगों को तभी बताया था सॉल्युबिलिटी कितना आया था, देखो AgCl का हम लोगों ने बताया था 10^-5 है ना, तो उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, अगर मैं बोला जितना मर्जी ले, एक लीटर में 10^-5 मोल ही AgCl जो है वो डिसोसिएट करता है, इससे ज्यादा तो डिसोसिएट होना ही नहीं है, तो उसका Ksp क्या हो जाएगा, ये 10^-5 मोल का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 10^-10, ये हो जाएगा सॉल्युबिलिटी, है ना। Ksp मान लो AgCl का हम लोग निकालेंगे एंड दैट इज हाउ सॉल्युबिलिटी दिया हुआ, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी आ जाएगा, इजंट इट, क्या कितना आसान बात है, देखो है कि नहीं, बताया जाए इस बात को। यस सर। एक्सेप्टेबल? ओके जी। तो सॉल्युबिलिटी हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा ना? कुछ भी दिया होगा, हो सकता है सॉल्युबिलिटी दिया होगा, हो सकता है मान लो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया होगा तब सॉल्युबिलिटी निकालेंगे, दोनों में से कोई भी दिया होगा और कोई एक चीज दिया होगा दूसरा चीज निकालने बोलेगा, यही मैं बोल रहा हूँ। ठीक। क्या कोई दिक्कत है इस बात से? नहीं है ना? तुम समझ रहे हो कितना कम घुलेगा, एक लीटर में 10^-5 और इसका इसका मोलर मास AgCl का कितना हो जाएगा, Ag का 108, Cl का 35.5, 143.5 ना, 143.5 0.0143 ग्राम, मतलब सोच लो 1 मिलीग्राम के आसपास, नहीं
एक मिलीग्राम के आसपास घुलेगा यार, तो क्या ही घुल रहा है, इतना कम घुलेगा तो। तो ये तो एक टाइप का सॉल्ट था जहां पर सिंपल दिख रहा था कि केटायन भी एक था एनायन भी एक था, है ना। कई बार तुमको जैसे मान लो एक ऐसा सॉल्ट मिलेगा Ab2 टाइप पर का, है ना, Ab2 टाइप पर का, तो ये जब डिसोसिएट होगा क्या बनाएगा, मान लो A2+ बना रहा और साथ में 2B- बनाएगा, तो मान ले इसका S पार्ट घुल रहा है, तो इसका अगर S पार्ट घुल रहा है तो इसका कितना बनाएगा ये S पार्ट, इसका कंसंट्रेशन S हो जाएगा और इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 2S हो जाएगा। अच्छा बताओ इसका केस भी क्या जाएगा, 4S क्यों ना रे, 4S A2+ और इसका कंसंट्रेशन ना जो भी कंसंट्रेशन B^(b−2)2, तो इसका कंसंट्रेशन तो 2S है ना रे, हाँ सर 4S 2S का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4S क्यूब, है ना, कोई गल नहीं। मान लो कहीं पर AB3 है, बताओ इसका क्या हो जाएगा, A+ + 3B- सॉल्युबिलिटी मान लो इसका S है, तो KSP क्या हो जाएगा जरा बताना, देखना जरा, ये S है ना, हाँ सर, ये क्या है 3S, तो A3+ और 3B- का पावर 3, 3B क्या है ना, तो S ये क्या है 3S का क्यूब, S into 27S cube, 27S^4, यही आ रहा तो? Yes sir. Fine. मान लो A2B3 है, इसका क्या आएगा बता? इसका मान ले solubility अगर S है, तो इसका क्या KSP आएगा? यही आया है। अच्छा मतलब एक बात तो बताओ यार, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट होता है, तो KSP का वैल्यू कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए हमेशा क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं KSP फॉर ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट विल बी ऑलवेज फिक्स्ड, ये हमेशा फिक्स रहेगा, कभी भी नहीं बदल सकता है, सिमिलर टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हमेशा फिक्स रहता ना, बसरते कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर दे रखा होगा, अगर टेम्परेचर में छेड़खानी किए तब तो ये बदल सकता है, चेंज हो सकता है। सर टेम्परेचर से कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ जाना चाहिए ना, जैसे वाटर का भी तो वैसे ही होता था। यस सर, इतना सारा निकालने के बाद मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, the solubility of molar concentration of its ions of a, अच्छा ये हमेशा sparingly soluble salt के लिए ही define होगा, ये बात समझ में आ रहा है ना? Yes sir. Sparingly soluble salt के लिए ही define होगा ना? Yes sir. यार both direction के लिए action होने चाहिए ना? हाँ sir. Equilibrium constant के लिए, HCl वगैरह में equilibrium constant की बात करते हैं हम लोग, नहीं करते? तो solubility product of a sparingly soluble salt is given as product of the concentration of the ions raised to the power equal to the number of times the ion occur in the equation after dissociation of the electrolyte, isn't it? We can say, बता दिया जाए सर, ये सब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होता होगा ना? हाँ, सॉल्युबिलिटी हमेशा सैचुरेटेड में ही डिफाइन है, जितना टूटा, मैं क्या बोला,
AgCl जैसे स्टार्टिंग में हमने लिया था, AgCl में जो टूटा S, इसमें जो टूटा वो पार्ट S है बच्चे, जो पार्ट टूटा S, और जो भी पार्ट टूट के मतलब जो भी सॉल्युबल हुआ उसी को वापस से वो तो पूरा पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, उसी की बात कर रहा हूँ जो टूटा उसका, जो टूटा ही नहीं वो तो अलग रह गया, वो तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा अब एक जनरलाइज केस ले लेते हैं, चलो इसका बताओ तुम लोग क्या होगा, ए एक्स बी वाई में ले रहा हूं, इसका तुम लोगों को केस भी बताना, जल्दी एक मिनट का टाइम है तुम लोग निकालो और बताओ मुझे क्या जा रहा है। x की पावर x इंटू वाई की पावर वाई इंटू एक्स की पावर एक्स प्लस वाई, सर यही निकाले हैं। मेरा तो यही आ रहा है यार, मान लो बोला जा रहा है कंपेयर सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl है ना, AgCl एंड AgBr ऐसे दिया हुआ है ना, मान लो AgCl का सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, मतलब KSP दिया हुआ, KSP AgCl दिया हुआ है कितना 10^-10 है ना, वहीं पर KSP AgBr दिया हुआ है 10^-12, मान लो ऐसा दिया हुआ, तो एक बात तो साफ पता चल रहा भाई, जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसका ज्यादा होगा वही सॉल्युबल भी ज्यादा होगा। यस सर। हाँ या नहीं, सोचो जरा कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होगा वही ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो इन दोनों में तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तुरंत से आसानी से डिसाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि दोनों सिमिलर टाइप पर के सॉल्ट थे, दोनों सिमिलर टाइप पर के सॉल्ट थे, तो यहां पर दिख गया AgCl जो है ना KSP AgCl का ज्यादा है, मतलब -10 है, ये -12 मतलब और छोटा हो गया ना KSP AgBr से, तो ये ज्यादा सॉल्युबल हो गया यार, मोर सॉल्युबल। कोई दिक्कत नहीं है यहां पर इस बात से, ठीक है भाई। लेकिन यार मान लो सॉल्ट में थोड़ा सा कुछ बदलाव आ जाता है ना, जैसे मान लो बोला जा रहा है तुम्हें कंपेयर सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl एंड CaF2, ऐसा बोल रहा, अगर इन दोनों में कंपेयर करने को बोल रहा और तुम्हें दे रखा है KSP AgCl, तुम्हें दे रखा है 10^-10 है ना, वही KSP तुमको दिया हुआ है CaF2 का तुमको दिया है 4×10^-12। अब तुम ये मत कर देना, देखो ये सॉल्ट के टाइप अलग अलग है ना, अब तुम ये मत कर देना कि तुमको लगेगा कि AgCl जो है इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो यार ज्यादा है, ये -12 है उसके रेस्पेक्ट में तो ये -10 काफी ज्यादा है ना, लेकिन काफी ज्यादा है तो सॉल्ट का टाइप भी तो अलग है, ये AgCl टाइप पर का है, ये CF2 टाइप पर का है, मतलब ये AB टाइप पर का है, और कहने का मतलब है ये AB2 टाइप पर का है, तो तुम लोग है ना कॉरेस्पॉन्डिंग तुम लोग सॉल्युबिलिटी निकालोगे पहले, है ना, कई बार मान लो पूछेगा किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, देन CF2 फर्स्ट टाइम तुम लोग क्या करोगे इसका सॉल्युबिलिटी निकालोगे, जैसे AgCl के बारे में दे रखा है मान लो ये डिसोसिएट होगा Ag+ और Cl- में, है ना, तो अगर ऐसा है तो देखो जरा, ये मान लो इसका S, ये मान लो इसका S है ना, तो S स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, KSP दे रखा है ना तुम्हें, KSP होता है S स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 10^-10, तो S इक्वल टू यहां पर से क्या आ गया 10^-5। वहीं अगर CaF2 की बात करोगे तो ये कैसे टूटेगा, Ca2+ और साथ में 2F-, मान लो इसका सॉल्युबिलिटी S, इसका 2S, तो एक्जेक्टली इसका KSP क्या आता, क्या आया है 4S³। यस सर। 4S³, अच्छा 4S³ का वैल्यू दे रखा है तुमको, कितना वैल्यू दे रखा है 4×10^-12, 4 कैंसिल आउट हो गया, S का वैल्यू कितना आया 10^-6। -6 कैसे यार, 3-4 ना, क्यों है ना ये, हाँ सर, तो 10^-4 आया। अब देखो एक्चुअली सॉल्युबिलिटी ना डिसाइड करेगा यार कौन कितना सॉल्युबल होगा, अब बताओ AgCl वाला 10^-5 सॉल्युबल हो रहा, या CF2 वाला 10^-4 सॉल्युबल हो रहा,
तो बताओ इन दोनों में सोल्यूबल ज्यादा कौन हुआ फिर? CF2 है ना, तो तुम फाइनली क्या है सोल्यूबिलिटी CF2 निकालना, ये ज्यादा सोल्यूबल हो गया ना, ये मोर सोल्यूबल होगा। तो ऐसे अगर सॉल्ट एक ही तरह का दे रखे हैं तो केएसपी तो बहुत आसानी से डिसाइड कर देगा कि कौन है सोल्यूबल ज्यादा कौन है सोल्यूबल कम। बट अगर मान लो केएसपी अलग अलग दे रखा है यार, मतलब अलग अलग दे तो रखा है और अलग अलग टाइप पर के सॉल्ट है, उस परिस्थिति में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा सोल्यूबिलिटी निकाल के। सोल्यूबिलिटी फाइनली डिसाइड करेगा किस में ज्यादा घुलेंगे। तो देखो इसमें 10 टू द पावर माइनस 4 मोल्स मान लो डिसोसिएट हो रहा है एक लीटर में, ये 10 टू द पावर माइनस 5 मोल डिसोसिएट हो रहा, तो इसका अमाउंट ज्यादा है ना, ज्यादा अमाउंट इसका डिसोसिएट हो रहा ना, तो इसका ज्यादा अमाउंट डिसोसिएट हो रहा तो ये ज्यादा सोल्युबल हम लोग बोलेंगे।